नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण पुस्तक के अंदर यूनिट संख्या फोर्थ में अपन अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन विकास। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान के पर्यटन विकास में अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान में या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की क्या भूमिका है या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में अपन पर्यटन में अपन एक राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं कि पधारो मारे देश। इसमें विभिन्न प्रकार की पर्यटन स्थल जो कि राजस्थान की धरोहर का एक आन शान बान के रूप में विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं, जो कि राजस्थान के पर्यटन विभाग के देश विदेश के पर्यटकों को पधारो मारे देश का आकर्षक आमंत्रण देकर राज्य में पर्यटन की विकास में या विकास के प्रति सरकार का संकल्प प्रकट किया है। राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश है। राजस्थानी अत्यधिक प्यार से अपने राज्य को सुरंगा राजस्थान कहना पसंद करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेदा कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजस्थान भ्रमण के दौरान जब कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों को देखा था तो उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यंत मुग्ध करने वाला प्रदेश माना था। इसका वर्णन उसकी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में मिलता है, जो देसी विदेश पर्यटन इसके विभिन्न दर्शनीय स्थलों को भ्रमण करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी स्मृति पटल को अपनी अमिट छाप हो जाती है। इस प्रकार राज्यों में उद्योगों के साथ साथ भी पर्यटन में काफ़ी संभावना रही है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं कलाओं के रूप में माने भी जाते हैं। इस प्रकार जयपुर की सिटी प्लेस में हवा महल, रामबाग प्लेस, जंतर मंतर, सेंट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध हैं। जयपुर के पास कनक वृंदावन, आमेर सिसोदिया, रानी का बाग दर्शनीय व स्मरणीय स्थल हैं। आमेर में ख्वाजा मऊद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जोधपुर में मोती महल, फूल महल, मान महल, सिंहखाना, पत्थर की कारीगरी के अद्भुत नमूने भी हैं। तो उदयपुर में अपनी एक अलग पहचान है, जिसमें झीलों, फुवारा महलों के लिए विख्यात है। सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर, जयसमंद कृत्रिम झील, रनकपुर के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और माउंट आपू में 1000 वर्ष पुराने देलवाड़ा जैन मंदिर उच्च श्रेणी के मार्बल से बना है। इसी प्रकार राज्य के अनेक छोटे छोटे कस्बों की हवेलियाँ, चित्रभितियाँ भी मनमोहक हैं। तो राज्य के विभिन्न त्यौहार, उत्सव, मेले, गीत संगीत, नृत्य कला और कृतियाँ, लोक कथाएँ आदि बरबस देसी विदेशी पर्यटकों द्वारा सदियों में अपनी तरफ आकर्षक करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। श्री गंगानगर जिले की बात करें तो पीलीबंगा तहसील के कालीबंगा और सूरतगढ़ तहसील में रंग महल जैसे ऐतिहासिक स्थान राज्य के पर्यटन नक्शों में शामिल के लायक भी हैं। तो इस प्रकार इन स्थलों के थेड़ों में खुदाई से पता चला है कि सभ्यताएँ हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी हैं। तो इस तरह है सैलांगी रंगों, शिल्प स्थापल्य कलाओं, महलों, हवेलियों, दोरों, झीलों, जानवरों को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो इस प्रकार बाड़मेर, किराड़ू, महामेर, बालोतरा, कानाना आदि आयोजित स्थलों में भी हैं, जो कि एक बहुत है। तो थार मरुस्थल में लोकगीतों को लोक कलाकारों के लिए एक अद्भुत संगम है होता है, जो अलगोजा की मधुर
स्वर लहरियों के रूप में पर्यटन क्षणों में खो जाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान की पर्यटन स्थली की हम बात करें तो 10 सर्किट स्थानीय मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें ढूंढार क्षेत्र में हम बात करें तो अजमेर आमेर दौसा है, मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर है। तो वांगड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और आड़ूती क्षेत्र की बात करें कोटा बूंदी और झालावाड़ सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार मेरवाड़ा क्षेत्र के अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर शेखावटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू प्रसिद्ध हैं। मरु सर्किट और बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर माउंट आबू में रणकपुर जालौर और मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर कुशलगढ़ नाथद्वारा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद डूंगरपुर, इसे उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम रणथंबोर में रणथंबोर सवाईमाधोपुर टोंक भी सम्मिलित है। तो पर्यटन के स्तर में हम बात करें बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। तो इन विभिन्न सर्किटों में अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षक पाए जाते हैं। कोई भी प्रदेश पहाड़ी हैं, कोई मरुस्थली हैं, कोई ऐतिहासिक इमारतें हैं और कहीं पर किले हैं तो कहीं पर राष्ट्रीय पार्क है। तो पार्क व अभयारण्य इस प्रकार प्रकृति के राजस्थान में कई प्रकार की भौगोलिक सांस्कृतिक अभयारण्य हैं। इस प्रकार प्रकृति ने राजस्थान को कई प्रकार की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं की विशेषताओं प्रदान की है, इनका भरपूर पर्यटन आनंद भी उठा रहे हैं। तो ये तो इसकी भूमिका रही। जैसा कि आप भी कई जगह पर्यटन स्थल पर घूमे हो, कहीं देख के आए तो काफ़ी आपको मनोरम दृश्य लगता है। राजस्थान में ऐसी जगहें हैं जहां पर आप देखो, जयपुर में मुख्य रूप से नारगढ़ आमेर फोर्ट और भी हैं, गणेश टेम्पल तो इनको सम्मिलित है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की पर्यटन भूमिका के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका की हम बात करें तो सर्वप्रथम तो लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में या आसपास में लोगों को रोजगार का एक जीविकापार्जन का साधन मिला है, तो ये भी इसकी भूमिका है। दूसरी, विदेशी मुद्रा का अर्जन। दूसरे विदेशों राजस्थान में जब पर्यटन आते हैं तो विदेशी मुद्रा के अर्जन से भारत की जो राजस्थान या भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो विदेशी मुद्रा का अर्जन भी एक महत्व है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की पर्यटन स्थल की हम बात करें तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्रियान्वयन भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्रियान्वयन में भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन है। एक है सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का सदुपयोग। सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का भी एक पूर्ण सदुपयोग माना जाता है। ये भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भूमिका में एक अग्रणीय भूमिका रही है। तो इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी आज विश्व में पर्यटन के महत्व की हम बात करें तो विदेशों में काफ़ी अरबों रुपयों की मात्रा में मुद्रा का अर्जन होता है। रोजगार के साधन राजस्थान में लोगों को मिलते हैं। सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर का संरक्षण का भी सदुपयोग होता है। तो और भी हम बात करें तो इसकी भूमिका के अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यटन की भूमिका में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पांचवी हम भूमिका हुई राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है
तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुदृढ़ता आती है, ये भी इसकी भूमिका के अंतर्गत आती है। सातवें हम बिंदु की बात करें पर्यटन स्थल की देखरेख सुगम, पर्यटन स्थल जो भी हैं राजस्थान के उसकी देखरेख की सुगम व्यवस्था हो पाती है, उनकी स्थिति सही होती है। क्योंकि बाहर से जब पर्यटन देखने आते हैं तो कई वर्षों का ऐतिहासिक जो दृश्य है उनको देखने पे काफ़ी उनको सुधार भी किया जाता है सरकार के द्वारा। आठवें भूमिका की हम बात करें तो राजस्थान में पर्यटन स्थल में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के बजट्स क्रियान्वयन किए गए, जिसमें विभिन्न बजट के द्वारा उन ऐतिहासिक दृश्यों को सुधार के उनका क्रियान्वयन किया गया। जैसे कि पिछले बजट के अंतर्गत अपने यहाँ जैसे उदाहरण के रूप में देखें, पिछले बजट के अंतर्गत अपने खेतरी रामकृष्ण मिशन के तहत भी राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न बजट या कोष से उनकी ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है उनको काफ़ी सुधार किया गया है। तो सरकार की देखरेख या सरकार की निगरानी में आवश्यक बजट के आधार पर उनको महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। नौवीं हम भूमिका की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन स्थल का विस्तार भी हुआ है। राजस्थान में पर्यटन स्थल का विस्तार, पर्यटन स्थल में काफ़ी सुधार हुआ है, उनका निरंतर विस्तार भी हुआ है। तो इस प्रकार राजस्थान की पर्यटन स्थल की भूमिका बात करें इसकी अर्थव्यवस्था में, तो इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही है, सुगम रही है, और पर्यटन से अपने देश की अर्थव्यवस्था राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अच्छा प्रभाव रहा है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में क्रियान्वित भूमिका का निर्वहन हुआ है। तो इस प्रकार हम राजस्थान की पर्यटन विकास के बारे में जैसे कि हमने आज चर्चा की, आज नेक्स्ट वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान में पर्यटन की समस्याएं कौन कौन सी रही और पर्यटन को किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पर्यटन स्थल में समस्याएँ हैं, उनको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए। तो राजस्थान में पर्यटन स्थल की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भूमि की समस्या, भवन की समस्या, पर्यटन स्थल की समस्या और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, देखरेख, विस्तार, भूमि का विस्तार, तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज आप हमने राजस्थान की पर्यटन स्थल के बारे में हमने संक्षेप में जानकारी प्रदान की, जो कि आपके लिए बहुत, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं कि राजस्थान में पर्यटन स्थल की क्या क्या भूमिका, क्या क्या आयाम रहे। तो इस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन स्थल की एक सहायक एवं सराहनीय तरीके से क्रियान्वयन एवं भूमिका रही है। तो हम राजस्थान की पर्यटन स्थल की विभिन्न समस्याओं का अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की पर्यटन स्थल की चर्चा करने से बाद में यूनिट संख्या, इसी क्रम में यूनिट संख्या 5 में राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में, उद्योगों के विकास के कारण उद्योगों में कौन कौन सी ऐसी कमियां रहीं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों के बारे में देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड्स के बारे में देखेंगे, तो उनके बारे में हम विभिन्न रूप से चर्चा करेंगे। तो हम अगले वीडियो में राजस्थान की पर्यटन व्यवस्था में होने वाली समस्याएं और उनको किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उनके बारे में हम करेंगे कि पर्यटन स्थल को किस प्रकार से सुधारा जाए, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन लागू किए जाएं जिससे पर्यटन स्थल में सुधार हो सके। तो हम राजस्थान में पर्यटन स्थल को देखने के लिए एक सुगम तरीके से गवर्नमेंट के दिशा निर्देश और उसके सहज तरीकों से कार्यों का हम प्रवाह देखेंगे। तो हम उनकी समस्याओं का और उल्लेख के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे
कि राजस्थान की समस्याओं से संबंधित या राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी पर्यटन स्थल की समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनको सुधारें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपके लिए कि राजस्थान में पर्यटन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से उसके सुझाव हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।